तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोशिश। तो आज हम लोग फिर से बीआर रैंक खेलने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इंट्रो तो देख लिया होगा, बहुत खतरनाक गेम प्ले जाने वाला। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और जो चैनल पर नया आए हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब कि जल्दी से मेरे 1K करा दो यार। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करना। तो हम लोग उतरे थे ब्लू जोन में, बट जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। हम लोग ने सोचा था कोई ट्रिपल चिप की गन मिल जाएगी, बट यहाँ पर कुछ मिला नहीं। एक M4 सिंगल चिप मिली, उसमें भी एटिस एमओ ख़त्म हो चुका था। दोस्तों सामने एक बंदा भाग रहा था, मैंने देख लिया उसको। तो वुकुंग से मैंने ट्राई किया जाकर उसको मारे, बट मैंने उसको मारा दोस्तों। बट वो 50% डैमेज था, बट उसने ग्लोल फुट कर लिया। और क्या पता वो क्या हुआ, वहाँ से वो गायब हो गया दोस्तों। आप लोग देखना, लिटरली 1 सेकंड में गायब हो गया वो। आपने देखा ना, वो लिटरली 1 सेकंड में गायब हो गया बंदा, और पीछे वाले मुझे मार रहे थे। तो मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, आप लोग देख सकते 12 HP बचा हुआ था। और बंदा मतलब शायद उस बंदे पास भी कुछ उतना ज़्यादा बचा नहीं था, इसलिए वो बंदा मेरे से भाग रहा था। तो मेरे पास बॉन फायर था, और साला बॉन फायर मैंने यहाँ पर बॉन फायर जलाया दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कैरेक्टर स्किल दोस्तों CS वाला लगा के ले आया दोस्तों, इसलिए मेरे पास बॉन फायर था, नहीं तो मैं एयरड्रॉप लेके आता। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने गलती से कैरेक्टर स्किल CS का लेके आ गया था मैं। तो दोस्तों यहाँ पर CS का बहुत खतरनाक सीन होता है दोस्तों। CS का मैं बहुत ज़्यादा हेड लगता है मेरा, तो कैरेक्टर स्किल लेने से मतलब कि शॉर्ट रेंज में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी मुझे। बट यहाँ पर एक बंदे को मारने के बाद मेरा दोस्त वहाँ पर लूट रहा था, वैसे ही उसका बंदा आ जाता है, एक दोस्त उसका जिसको मैंने मारा उसका दोस्त आ जाता है। और मैं लूट ही रहा होता कि दोस्तों उससे फाइट हो जाती। तो दोस्तों उसने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, मैंने उसे मारा बट उसको डैमेज लगा नहीं, और उसने मेरे को ख़त्म कर दिया दोस्त। उसने मुझे पूरा ही फिनिश कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। बट वो मर चुका था, बट उसके बंदे ने दूर से, भाई दूर से उसके बंदे ने मुझे फिनिश कर दिया। बट मेरे बंदे पास कॉइन बचा हुआ था, एटलीस्ट 1000 कॉइन इसके पास बचा हुआ था दोस्तों। तो इसने फटाफट मुझे रिवाइव किया। तो ऐसा बंदा बहुत अच्छा है दोस्तों, ये मेरा न्यू दोस्त है, केरला से है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसको जो बोलो वो करता है दोस्तों, बहुत खतरनाक सीन है दोस्तों। हम लोग यहाँ पर जल्दी से उतरते हैं फिर से फटाफट दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा मैं, वीडियो मतलब कि डायरेक्ट फाइटिंग सीन पर ही आपको ले जाना चाहूँगा। तो फटाफट यहाँ से लूटते हैं, बस 2x मैंने कर दिया, वीडियो को फास्ट कर दिया थोड़ा। फटाफट यहाँ से लूट के सीधा मतलब आपको फाइट सीन के पास दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा दोस्त ने भी मतलब कि दोस्त है बट दोस्त लोग हरामी होते हैं, इसने मेरा सारा चीज़ लूट लिया था। एटलीस्ट कुछ नहीं बचा मेरा, सिर्फ MP40 और M4 छोड़ दिया था, और जितना ग्लोबल था सब मेडिकेट भी इसने लूट लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वहाँ से जाते हैं, तो देखते एक बंदा फाइट कर रहा था, मैंने उसको लॉन्चर मारा, लॉन्चर से ही वो मर गया। वो क्या बोलते हैं MG15 जो भी बोलते हैं, 50 मुझे नहीं मालूम, बट वो उससे डैमेज पड़ता, ग्लोबल ही टूटती है, तो उससे वो मर चुका था दोस्तों। फिर हम लोग आगे जाते हैं, सोचते आगे बंदा मिलेगा, तो आगे दो बंदा मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर दो बंदा था, तो मैंने सोचा चलो इसको मारते हैं, मेरा दोस्त पास भी अच्छी गन थी। तो मैं उतरा वहाँ पर दोस्तों, बट मेरा दोस्त था कितना नुबड़ा जैसा काम किया, वो बीच में घुस गया और उसको बंदे ने मतलब कि डाउन कर दिया बंदे ने। बट मैंने भी दोनों को मार दिया, और फटाफट मैंने उसको रिवाइव कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ से थोड़ा दूर आपको दिखाते हैं सीन क्या हुआ दोस्तों। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमने फटाफट यहाँ पर लूट कर ही रहा था दोस्तों, जैसे ही मैं लूट कर रहा था एक बंदे ने मुझे ठोक दिया पीछे से। वो देख सकते हो मैं ऐसे लूटने में डूब गया था दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा लूट थी इसके पास, मैं उसी लूटने में एक दूसरे दूर से बंदे ने ठोक दिया मुझे। और दोस्तों उसके पास वो जल्दी से डाउन होकर ख़त्म होने वाला स्किल भी लगा रखा था, बट मेरे दोस्त ने मुझे बचा लिया। तो मैं यहाँ से दोस्तों सीधा फाइटिंग मूवमेंट पर ले जाता हूँ दोस्तों। मैं जैसे ही आगे जा रहा था, एक बंदा ऊपर पेड़ से कूदा, वो रिवाइव होकर ऊपर बैठा हुआ था पेड़ पे, वहाँ पर से कूदा और मुझे मारने की ट्राई किया, बट मैंने उसको MP40 से छोटा हेड लगाया, फिर मैंने सीधा उसको लिटरली मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया। और मुझे मालूम नहीं था दोस्तों पीछे भी एक बंदा है। तो आप लोग देख सकते हो मैं वुकुंग लगा के जा रहा था, तो उसने मुझे खतरनाक डैमेज दिया, बट वो बहुत ज़्यादा कम HP का था, एटलीस्ट वो 50 HP का ही था दोस्तों। बट उसकी हिम्मत देखो दोस्तों, 280 HP वाले से वो लड़ने की शक्ति रखता, उसका हिम्मत का मैं मतलब दाग देना चाहता हूँ। बहुत तगड़ा बंदा था, जो भी बोलो, नाम था राहुल, बट हिम्मत उसमें थी, उसके पास 50 HP था, बट मुझे मारने की ट्राई कर रहा था। उधर मैं जा ही रहा था दोस्तों, बट मेरा दोस्त उसने एक और बंदे ने ठोक दिया। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो इसको ले ही लेते, मेरे दोस्त को मार दिया तो मैंने उसको जल्द फटाफट लॉन्चर मारी, मैंने उसको जल्दी से डाउन कर दिया। तो दोस्तों पिस्तल मिल गया नहीं, बट मैं ये लॉन्चर जरूर लेता हूँ दोस्तों। इसका एमओ मिल जाता तो वो भी उठा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करता है दोस्तों। अगर 2-3 बंदे डाउन रहे साथ में, तो उसको ग्लोबल तोड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, और ग्लोबल तोड़ने के साथ ही बहुत जल्दी ये 70-70 HP भी ख़त्म कर देता है बंदे लोग का, जो एनिमी होते सामने वाले। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फटाफट लूट लेता हूँ दोस्तों, और लूटने के बाद सीधा जा ही रहा होता। इसके बाद लूट अच्छी थी, बट इसने मेडिकेट नहीं मार रखा था, क्या पता क्यों। बट मेरे दो बंदे मर चुके थे, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉइन था, एटलीस्ट 6000 कॉइन था। बट मैं यहाँ पर दोस्तों री रिकॉर्डिंग में से आपको दिखा रहा हूँ गेम प्ले, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था दोस्तों, गेम प्ले अच्छा गया था इसलिए मैंने आपको दिखाना सोचा। तो मैंने फटाफट इसको रिवाइव किया दोनों को,
और यहाँ से रिवाइव करके मैं जैसे जा ही रहा था तो दोस्तों देख सकते हो मैं पर रिवाइव कर दिया, ऊपर से जा ही रहा था तो ऊपर से एक बंदा टपकता है मेरे को, मैंने उसको देख लिया, मैंने मेरे हाथ में गन ही तो मैंने जल्दी से एमपी फूटे निकाले, उसको हेड भर दिया पूरा, हेड भरने के बाद सीधा ख़त्म कर दिया। फिर उधर दोस्तों मेरे एक दोस्त को भी किसी ने ठोक दिया, वो बोल रहा है मेरे को पीछे पीछे किसी ने मारा, मैं उसको बार बार पीछे देख रहा था, पीछे कोई था नहीं, कोई था नहीं, बट दोस्तों जो दोस्त है मेरा थोड़ा झूठ बोलता है दोस्तों, उसने जीरो डैमेज भी दिया होगा ना, बोलता है कि फुल डैमेज है, ऐसा बोलता है दोस्तों। कल ही उसने मुझे बहुत खतरनाक मरवाया था एक बंदे से, बोल दिया कि फुल एच पी डाउन है, मैं गया उसको फुल 100% एच पी था, तो मैंने सोचा फटाफट इन लोगों को रिवाइव करते हैं, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ से लैम्बोर्गिनी उठाया, आप लोग सोचो लैम्बोर्गिनी क्यों उठाया इसने, बट सारे बंदे ऊंची जगह पर थे दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ से लैम्बोर्गिनी उठाने की सोची, अगर मैं दौड़ के जाता तो मुझे बॉडी पड़ती, ऐसे गोली गाड़ी पर ही पड़ेगी तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ से फटाफट इन लोगों को रिवाइव करता हूँ, और रिवाइव करने के साथ में ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फटाफट मेडिकेट भी मार लेता हूँ। और दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे फ्रेंड लिस्ट बहुत कम बंदे दोस्तों, अगर आप किसी को भी खेलना हो तो आप लोग कमेंट में यूआईडी देना, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज दूंगा। लेवल कोई लेवल मैटर नहीं करता दोस्तों, आप लोग कितना भी लेवल का बंदा हो, 10, 20, 50 कोई भी लेवल के बंदे के साथ मैं खेल सकता हूँ, खेल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ से जल्दी ऊपर जा ही रहा था तो दोस्तों एक कैंपर बैठा हुआ था, तो कैंपर लोग देख सकते हो, तो मैंने इसको फटाफट हेड भर दिया, साला यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा था मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम, बट इसका नाम अच्छा था दोस्तों, इसको एक बार और मैंने मारा था वहाँ पर, अब देख सकते हो इसका नाम अजहर है, मैंने एक बार इसको और मारा था, आप लोग देख लेना वीडियो में पीछे करके, तो यहाँ पर बैठा हुआ था क्या पता क्यों। फिर मैं यहाँ से सीधा आगे जाता हूँ और दो लैंडमाइन लगाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर लैंडमाइन एक यहाँ पर लगाता हूँ एक थोड़ा आगे, क्योंकि बंदा थोड़ा सा डैमेज होगा तो फिर दूसरा लैंडमाइन से पक्का वो डाउन हो ही जाएगा, बट क्या दोस्तों क्या गलत सीन होता है, लैंडमाइन मेरे पर ही फट जाता है, बट मेरा एचपी डाउन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बट फिर ऊपर से देखता हूँ बहुत सारे बंदे उतर रहे होते, तो मैंने सोचा चलो वेट करते हैं, ये 11 बंदे बचे हुए थे और कोई रिवाइव सेंटर भी बचा हुआ नहीं था, हमारे दोस्त लोग भी मर गए थे। बट दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, गेम प्ले एटलीस्ट बढ़िया गया था, आप लोग देख सकते हो 10 किल मैंने कर दिया है, और दोस्तों वहाँ से ही हमारे दोस्तों को मारा दोस्तों उन लोगों ने, मैंने सोचा चलो इन लोगों को तो मारेंगे हम लोग, तो मैंने देखा एक बंदा वहाँ से कूद के भागने की ट्राई कर रहा था, मैंने देख लिया था वहाँ से, मैंने सोचा चलो वेट करते हैं, तो जैसे ही वो भागना स्टार्ट किया मैंने गोली चलाने स्टार्ट की, बट उसने उसे हेड नहीं लग पाया इसलिए वो बच गया। फिर मैंने थोड़ा और वेट किया, फिर उसका एक और बंदा कूद रहा था, मैंने उसको बॉडी वॉडी मार के पूरा ख़त्म कर दिया दोस्तों, एक और बंदा उसको पूरा, बट मेरे दोस्त ने उसका किल उठा लिया, बट एक किल चोरी नहीं बोल सकते, बट जो भी आप लोग समझो किल चोरी भी बोल सकते नहीं भी बोल सकते, तो हम लोग सोचा है पर चार बंदे हैं तो टू मुझे पहले ही मालूम था 1v1v2 का सीन है, मतलब वो लोग एक एक बंदे ही अलग अलग स्पॉट के, तो जैसे मैं उतरा एक बंदे ने उसको मार दिया, हम लोग दो बच गए, तो ये तो सिंपली बुआ हमारा होना ही था, मैं सोचा चलो इसको लॉन्च से ग्लोबल को तोड़ते हैं, बट दोस्तों उसने बहुत खतरनाक डैमेज दिया उसने, बट मैंने उसको मार दिया और ख़त्म हो गया गेम। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।